जाए एक स्टूडेंट होने के नाते। तो अगर बलोच कौम के अंदर किसी ने नेल्सन मंडेला का किरदार अदा किया तो वो अशरफ साहब थे। नेल्सन मंडेला का किरदार इस कौम के साथ अदा किया। वो हमेशा स्टूडेंट को किताब का दर्स देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारा मंजिल तुम्हारी राह इस किताब में है, इस किताब को उठाओ इसको पढ़ो। जैसा कि दोस्त ने बयान किया था बलोची में शायद कुछ लोग ना समझे हो कि वो सरयाब को अपने जन्नत में रखा। सरयाब से उसको इतना मोहब्बत था, इतना मेल था कि वो दिन रात जब भी हम उसके साथ बैठते थे वो सरयाब की बातें करता था कि मेरे सरयाब के नौजवान क्यों नहीं पढ़ते, किताब क्यों नहीं देखते, ये दूसरों के हाथों इस्तेमाल क्यों होते हैं, क्यों ये सरयाब में यूनिवर्सिटी गुलिस्तान डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निकल कॉलेज होने के नाते यहाँ बाहर के लोग आके पढ़ते मेरे सरयाब वाले क्यों नहीं पढ़ते। वो हमेशा यही बात करता था और उसने मुझे ये बात वाजे कहा कि मेरा शाह ट्रांसफ़र होने का मकसद भी यही था कि मैं सरयाब में जो है तालीम को आम करूँ, किताब कल्चर रहूँ, ताकि लोगों के जहनों से ये बात निकल जाए कि सरयाब में लगड़ी एरिया है, सरयाब में तो मैं सरयाब में दूसरे जो है। तो इसकी सबसे बड़ी सबूत लोड कारिज जैसा पसमिंदा एरिया में एक लाइब्रेरी का क्या है, वो बिल्डिंग जो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता था, तो उस बिल्डिंग में आज किताब का जिक्र हो रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, किताब डिस्कस हो रहा है, वहाँ स्टूडेंट बैठते हैं, लाइब्रेरी उसको बनाया है, उसके लिए दिन रात मेहनत किया है, उस लाइब्रेरी को क्याम किया और आज वहाँ जो है ना मेरे ख्याल में इस वक्त भी उसकी मेंबरशिप 1000 से ज़्यादा है स्टूडेंट्स की। वो जाके दिन में वहाँ किताब पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ये असल मोहब्बत थी उसको अपने कौम से। वह बहुत सबसे बड़ी बात उसकी मुझे ये पसंद आई कि वो किसी इंसान से इख्तलाफ नहीं करता था, किसी इंसान से भी उसको इख्तलाफ नहीं था। वो जिसका जिक्र भी करता था उसके अमल से करता था कि वो क्या अमल कर रहा है और क्या कह रहा है। अशरफ साहब जो बातें करता था उन पर अमल करना करने का यकीन रखता था और अमल कर रहा था। ये डिग्री हासिल जिसमें हम लोग स्टूडेंट अभी तक रह रहे हैं, ये जमाना था कि बहुत सारे लोगों की अफवाहों की वजह से और उनकी गलत बयानी की वजह से बिल्कुल बंद होने के आया हुआ था कि सरकार इसको बंद कर देगी, प्रिंसिपल जो उस टाइम मौजूद थे वो बंद कर देंगे। लेकिन अशरफ साहब ने अमला उन लोगों के जहनों में यह चीज़ बचाया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, कोई बंदूक कल्चर नहीं, यहाँ मेरे बलोच कौम के वो गरीब बजर स्टूडेंट हैं, तुलबा हैं जो किताब को फॉलो करते हैं और किताब चाहते हैं, किताब पढ़ते हैं।